हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपके आईफोन में ये सब जो आइकॉन्स या जो आपका जो एनिमेशन दिख रहा है वो थोड़ा जूम करके अप्लाई करना है तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो आइकन्स है वो थोड़ा छोटा है और जो ये सब एनिमेशन है वो थोड़ा छोटा छोटा करके है। अगर आप लोगों को थोड़ा जूम करके इसको अप्लाई करना है तो आप लोग इसके लिए क्या करना होगा, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले जूम का ऑप्शन हम लोगों को मिल गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले जूम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लार्जर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया है। तो आप लोग एक बार दोनों साइड में जो कंपैरिजन है वो देख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसमें थोड़ा जो एनिमेशन या जो एप्लीकेशन वगैरह है वो थोड़ा स्मॉल करके आ रहा है, देख सकते हैं। और अगर लार्जर टेक्स्ट पे आप लोग देखेंगे तो थोड़ा बिग साइज़ का वो आ रहा है। तो अगर आप लोगों को डिस्प्ले जूम अगर लार्जर टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट जो पहले से ही सिलेक्ट करके आता है उस वो वाला चाहिए तो आप लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो वो वाला सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर डन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका वो वाला हरी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।